माध्यम से जो भी भक्तजन नित्य बाबा के इस पवित्र धाम का दर्शन कर रहे हैं, मंगल भवन का दर्शन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। आप सब बहुत ही पुण्यकर्मी हैं जो बाबा का नित्य दर्शन कर रहे हैं, आरती का दर्शन कर रहे हैं, मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, आप सभी कृपा के पात्र हैं कि बाबा नित्य आपको दर्शन दे रहे हैं। कृपा क्या है, इसके दो दृष्टिकोण होते हैं, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एक सामाजिक दृष्टिकोण है। सामाजिक जन जो हैं, सामाजिक लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हुई, बाबा की कृपा हुई। सामाजिक जन यह सोचते हैं हमें अच्छी नौकरी मिल गई, बाबा की कृपा हुई। सामाजिक जन ये समझते हैं हमारा मकान बन गया, हम पर कृपा हुई। और सामाजिक जन यह समझते हैं हमारे पास अपार धन है तो बाबा की कृपा है। वह भी बाबा की कृपा होगी, परंतु वो 1% कृपा हुई बाबा की, क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। जो पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी सुंदर पत्नी, यह तो पापी के घर भी होना संभव है, परंतु असल कृपा क्या है, जो बाबा कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जो प्रभु की पूर्ण कृपा है वो क्या है कि आपके घर में यदि कोई संत का आगमन हो गया, आपको संत के दर्शन हो गए, आपके अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए, तो आप समझे आप पर कृपा है। या फिर आपके घर में कोई कथा उत्सव हो गया, जहाँ आपने कभी तीर्थों का दर्शन कर लिया, बाबा का दर्शन कर लिया, माता पिता का मान सम्मान कर लिया और आपका मन जो है निर्मल है, तो आप समझे कि बाबा भवानी आपके साथ हैं। आज हमें जो है हम पर पूर्ण कृपा बाबा की हुई है, अन्यथा कोई ऐसी बातों को लेकर यह मत समझे कि हम पर कृपा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना व्यक्ति व्यस्त होते जाता है इतना ही बाबा से दूर होते जाता है। अब हम पर कृपा है या नहीं, एक चीज़ से ऐसे भी स्पष्ट होगा कि जैसे सूर्य देव हैं, आप पर बाबा की कृपा है या नहीं है, सूर्य अपनी रोशनी दे रहा है, सूर्य भगवान अपना काम कर रहे हैं, चंद्रमा अंधकार रात्रि को अंधकार को दूर कर रहा है, परंतु जो पापी है उसको भी उसका लाभ मिल रहा है, जो पुण्य आत्मा है उसको भी सूर्य चंद्रमा वायु आदि का लाभ मिल रहा है, पर जो धर्म आत्मा है उसमें और जो दुष्ट आत्मा है एक ही फर्क है। जो भक्त है बाबा के पास रहता है, जो अभक्त है जिस पर बाबा की कृपा नहीं है वो बाबा से दूर होता जाता है। आप समझना, जब भी आप अपने कार्य की व्यस्तता से या अन्य कारणों से आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यही समझें कि बाबा हम पर प्रसन्न नहीं है, हम पर बाबा की कृपा नहीं है, बल्कि हम अपने जो मुख्य उद्देश्य है, इस देह का जो मुख्य उद्देश्य है उसे दूर जाते जा रहे हैं। इसी भावना को ध्यान में रखें, कोई अन्य कभी बातों को ध्यान में मत रखें, जो शास्त्रों की बातें हैं, जो बाबा तुलसी कह रहे हैं, जो संत जन कह रहे हैं, जो गुरु जन कह रहे हैं, वही असल मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं यदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वे विघ्नो भयान्दाय यस्या स्मृत्या च नामोऽज्ञातपो यज्ञाग्रयादिषु नियोनं सम्पूर्णतं व्याधि सद्यो वन्दे ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भव। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती गेट के बाहर लेंगे, बोलिए बाबा बर्फानी की जय। आप देख रहे हैं DD नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।